बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ राबिया और आप देख रहे हैं राबियाज़ कुकिंग। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार डेज़र्ट। अगर आप खीर, कस्टर्ड और पुराने डेज़र्ट और मीठी खा के थक चुके हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलें चलते हैं, देखते हैं इसे कैसे बनाना है। 1/4 कप लिया है मैंने दूध, उसके अंदर डाल दिया मैंने 2 टेबल स्पून भर के कस्टर्ड। कस्टर्ड आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। मैंने मैंगो लिया है, आपको जो अच्छा लगे तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से घोल लेंगे, लम्स फ्री कर लेंगे और फिर इसे साइड में रख देंगे। आधा किलो मैंने लिया है दूध और उसे उबाल लेंगे। जब उबाल आ जाएगा, गर्म हो जाएगा दूध, तो फिर हम उसके अंदर 4 टेबल स्पून शुगर डाल देंगे। चीनी थोड़ी हल्की ही रखेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी घुल जाए। चीनी हम हल्की ही रखेंगे कि बिस्किट और आगे जो चीज़ें हम शामिल करेंगे वो भी मीठी होंगी, तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो कस्टर्ड को पहले मिलाने से पहले हम चला लेंगे और स्लो आँच को चूल्हे को स्लो कर देंगे, वरना तो लम्स पड़ जाएंगे कस्टर्ड के अंदर। और स्लो आँच पे उसे 1 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो निकल जाए और अच्छा सा गाढ़ा कस्टर्ड हमें चाहिए तो वो हमें मिल जाए। तो इसे 1 मिनट तक हम पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर और बस फिर ये हो जाएगा तैयार। इसे अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। ठंडा करने के बाद एक प्लास्टिक बैग लेंगे, कोई भी प्लास्टिक की थैली ले लें और उसके अंदर हम डालेंगे ओरियो के बिस्किट, 18 से 20 ये बिस्किट हैं ओरियो के, इसे डाल के और इसका जो है हम पाउडर बना लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में डाल के बना लें। मैंने चॉपर में डाल के बनाया था ताकि हर कोई इस तरह से इसे बना सके बहुत आसानी के साथ, क्योंकि चॉपर सबके पास नहीं होता। तो इसे बहुत अच्छे से हम बारीक बारीक कर लेंगे इस तरह से, और जो बिस्किट हमारी शॉपर में लगा रह जाएगा जब हम डालेंगे, क्योंकि क्रीम है इसके अंदर शॉपर में चिपक जाता है, तो उसे हम स्पून की मदद से रिमूव कर लेंगे और छुड़ा लेंगे। जैसे ये लगा हुआ है ना, इसे आप चमचे से निकाल लेंगे, कुछ भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। अब वो गिलास लेंगे या कोई डिश जिसमें आप गिलास में बना रहे हैं वो गिलास लेंगे और उसके अंदर इसे नीचे सेट कर देंगे अच्छी तरह से। फर्स्ट लेयर जो जाएगी हमारी ओरियो बिस्किट की जाएगी। तो इस तरह से हम जितने भी गिलास में बनाना है सब में इक्वल हम डाल देंगे तमाम बिस्किट का चूरा, और फिर इस तरह दूसरा ऐसा गिलास लेके उसे प्रेस कर देंगे ताकि अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखें सेट हो चुका है। अब इसे रख देंगे हम साइड में। हम लेंगे 1 कप व्हिप्ड क्रीम ली है, जो केक पे इस्तेमाल होती है वो वाली क्रीम है, नॉर्मल क्रीम नहीं है। और ये मीठी थी इसलिए मैंने शुगर नहीं डाली। अगर आपकी क्रीम सादी हो तो आप उसके अंदर 1/4 कप चीनी डाल लें और इसे इतना अच्छे से बीट करना है कि ये क्वांटिटी में डबल हो जाए और फिर इसे हम इस्तेमाल करेंगे। ये चिल्ड थी, बिल्कुल ठंडी क्रीम थी। और अपना गिलास डेजर्ट जो है हम बनाना अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेयर जो गई वो ओरियो बिस्किट की थी। अब जो हमने कस्टर्ड बनाया था बिल्कुल ठंडा करके चिल करके, अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं और इसे भी हम इक्वल तमाम गिलासों के अंदर डाल देंगे। और ये ठंडा है, याद रहे हमने कस्टर्ड बना के ठंडा कर लिया था। फिर इसमें एक लेयर जो है हमने बनाना की लगाई है। आप जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास बनाना था, मैंने बनाना डाल दिया। आप स्ट्रॉबेरी डालना चाहें, जो भी फ्रूट आपको पसंद हो इसमें आप डाल सकते हैं। और फिर क्रीम के लेयर्स लगाएंगे और क्रीम को अच्छे से सेट करके उसे गार्निश कर देंगे चॉकलेट के साथ। मेरे पास चॉकलेट चिप थे और एक चेरी थी, चेरियाँ लगा दी मैंने, चॉकलेट चिप डाल दिए और ओरियो बिस्किट मैंने ऊपर से इस पर गार्निश कर दिया। तो आप भी इस तरह से अपने डेजर्ट को मज़ेदार बना सकते हैं। बहुत ही लजीज बन के तैयार हुआ था डेजर्ट। बना के आप इसे फ्रिज में चिल्ट कर लें, उसके बाद ही इसे सर्व करें। ये और भी ज़्यादा टेस्टी और लजीज हो जाता है जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो मज़ेदार लगता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।